गैस हेलो कार्बन इज अ मैनमेड गैस सो जब ये गैस है तो ये भी ट्रोपोस्फेयर से कहां जा सकती है स्ट्रेटोस्फेयर में या जब ये रिलीज हो रही है तो ये जैसे आपने मीथेन का रिएक्शन देखा था कि जैसे मीथेन रिलीज हुई तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रही है CO2 एंड वाटर वेपर तो ये चीज हेलो कार्बन के साथ क्यों नहीं हो रही रीजन हेलो कार्बन इज नॉट अ रिएक्टिव गैस ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती जितने भी ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो सबसे स्टेबल है मतलब एक बार रिलीज हो गई तो हो गई ये ऑक्सीजन के साथ किसी दूसरे गैस के साथ कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती इसको हम ये कभी आग नहीं पकड़ती ध्यान रखना अब अगर आप बोलो कि सर हम परफ्यूम या डिओडोरेंट लेते हैं उसमें बोलते हैं इट कैन कैच फायर इजीली इट इज बिकॉज़ ऑफ अल्कोहल नॉट बिकॉज़ ऑफ हेलो कार्बन जो उसमें बॉन्डिंग लिखी होती है बेटा वो अल्कोहल की वजह से होती है ध्यान रखना हेलो कार्बन की वजह से नहीं हेलो कार्बन मैंने क्या बोला किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी पानी के साथ ऐड भी नहीं होगी आग भी नहीं पकड़ेगी तो जितनी भी हेलो कार्बन ट्रोपोस्फेयर में रिलीज हुई जो बारिश है तो बारिश के पानी के साथ नीचे नहीं आएगी तो कहां रहेगी ट्रोपोस्फेयर में सभी को समझ में आया ये आग नहीं पकड़ेगी कि धूप आ रही है रोशनी आ रही है और उसके साथ वो बर्न हो जाए इवेपोरेट हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं होगा वो किसी दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और इसका रेसिडेंस टाइम क्या है बहुत ज्यादा व्हाट डज इट मीन अगर एक बार हेलो कार्बन रिलीज हो गई तो जब तक 100 200 या 1000 साल तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक क्या कॉज करती रहेगी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इट क्लियर वो हमेशा अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती रहेगी इंक्रीज जैसे अगर आप मुझे कोई बोले कि करो चलो कल से हम डिओडोरेंट परफ्यूम ये सब यूज नहीं करते ये हेलो कार्बन